हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोग्रीन के ऊपर। आप जानेंगे कि माइक्रोग्रीन क्या होते हैं और आपको क्यों अपनी डाइट में माइक्रोग्रीन इंक्लूड करने चाहिए। अगर आप माइक्रोग्रीन उगाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और हम अपने आने वाले वीडियोस में माइक्रोग्रीन को कैसे आप उगा सकते हैं ईजिली वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर एक प्लांट की लाइफ साइकिल में तीन स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली स्टेज को बोलते हैं माइक्रोग्रीन। माइक्रोग्रीन उस स्टेज में उस प्लांट को बोला जाता है जब प्लांट की दो लीव्स, जो सबसे पहली दो लीव्स प्लांट की सीड जर्मिनेट होने के बाद आती है, उस स्टेज को बोलते हैं माइक्रोग्रीन। उस स्टेज से जब प्लांट थोड़ा सा और ग्रो करता है, उसमें 8 से 10 लीव्स आ जाती हैं, तो उस प्लांट को बोलते हैं बेबी ग्रीन। और जो लास्ट स्टेज होती है, जिस प्लांट को आमतौर से हम लोग यूज़ करते हैं, उस मैच्योर कंडीशन में उस प्लांट को बोलते हैं मैच्योर प्लांट। आपको अपनी डाइट में माइक्रोग्रीन क्यों ऐड करने चाहिए, हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप मान लीजिए कि आप मूली के पत्तों की सब्जी बना के खाते हैं। अभी आप अगर मैच्योर्ड प्लांट लेंगे, यानी मैच्योर्ड मूली के पत्ते लेंगे, और उसमें हम मानते हैं, एक नंबर ले लेते हैं आर्बिट्री कि एक्स न्यूट्रिएंट हैं, वही अगर आप मैच्योर्ड प्लांट नहीं लेते और उससे पहले बेबी ग्रीन प्लांट को यूज़ करके सेम सब्जी बनाते हैं, आपको स्वाद लगभग सेम ही आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपको उसके अंदर न्यूट्रिएंट मैच्योर्ड प्लांट से 3 गुना ज़्यादा मिलेंगे। सिमिलरली, अगर आप उसमें माइक्रोग्रीन स्टेज में ही उस प्लांट को यूज़ कर लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो आपको मैच्योर्ड प्लांट से 5 गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे। 5 गुना नंबर भी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आप मान लीजिए कि मिनिमम नंबर है। किसी किसी केस में मैच्योर्ड प्लांट से 40 गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट माइक्रोग्रीन स्टेज में उस प्लांट में होता है। आने वाले वीडियोस में जब हम माइक्रोग्रीन के ऊपर करेंगे कि आप कैसे उगा सकते हैं इजीली विदाउट एनी गार्डनिंग एक्सपीरियंस, हम उसमें आपको डिटेल में हर माइक्रोग्रीन के बारे में उसी वीडियो में बताएंगे। कुछ वीडियोस हम माइक्रोग्रीन के ऊपर अपनी कुकिंग प्लेलिस्ट में रेसिपीज ऑलरेडी डाल चुके हैं, अगर आप चाहें तो उसे रेफ़र कर सकते हैं। माइक्रोग्रीन के ऊपर अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो विकिपीडिया का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाय।